अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलरेस खान। वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर दी अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कुछ अजीब और गरीब रवैये के बारे में हम आपको बताएंगे कि एक टीचर ने अपने स्टूडेंट के साथ क्या किया है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें। बात होगी आज मैक्सिको के बारे में। मैक्सिकन रियासत तालकसाला में एक उस्ताद ने ग्रेजुएशन के इम्तिहान में नकल से रोकने के लिए तालिब इल्मों को उनके सरों पर गत्ते के डब्बे पहना दिए। कमरा इम्तिहान में ली गई ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद बहस छिड़ गई कि सिर्फ नकल रोकने की गर्ज से दौरान इम्तिहान तालिब इल्मों के साथ ऐसा तौहीन-आमेज़ सलूक मुनासिब है या फिर नहीं। तफसीलात के मुताबिक तालकसाला में कॉलेज ऑफ बैचलर्स के उस्ताद ने इम्तिहान के दौरान नकल रोकने के लिए तालिब इल्मों को सरों पर गत्ते के चौकर डब्बे पहना दिए, जिनमें सिर्फ अगला हिस्सा किसी खिड़की की तरफ खुला हुआ था और जिससे वो सिर्फ सामने की तरफ ही देख सकते थे। कमरा इम्तिहान की ये तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो बच्चों के वालिदैन आग बगोला हो गए और उन्होंने शदीद एहतजाज करते हुए इसे गैर इंसानी अमल करार दे दिया और मैक्सिको की हुकूमत से मुतालबा किया कि तालिब इल्मों के साथ ऐसी तौहीन आमेज और गैर इंसानी सलूक करने पर हमारे इस टैक्स को बरतरफ किया जाए। अलबत्ता दूसरी जानिब कुछ लोगों ने नकल रोकने के इस तरीकों को मुनफरिद और गैर मामूली करार देते हुए इसकी तारीफ भी की है। वाजिया रहे कि ऐसा ही एक वाकया 2003 में थाईलैंड के एक स्कूल में भी पेश आ चुका है। इम्तिहान के दौरान तालिबे इल्मों को जबरदस्ती नकल रोकने पर हेलमेट पहनाए गए थे, जो दरअसल मोटे कागज के टुकड़ों से बने थे और जिन्हें पहनने के बाद सिर्फ सामने ही देखा जा सकता था। व्यूअर्स, अब आप बताइए ये तरीका नकल को रोकने के लिए बेहतरीन था या फिर नहीं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपने काफी एंजॉय किया होगा और इसी तरह की और भी डिस्कवरीज जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।